हमारे रियासती के महासचिव, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, हमारे सचिव प्रभारी विवेक बंसल साहब, यहाँ उपस्थित प्रभारी जोधपुर लाल सिंह कटारे जी कृषि मंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी चांदी धारीवाल जी, हरीश चौधरी जी, सुखराम जी बिश्नोई, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी, हमारे साथी मंत्री प्रताप सिंह खजरावास जी, छाले मोहम्मद जी, अशोक चांदना जी, भंवर सिंह जी भाटी साहब, महेंद्र चौधरी जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, पुकरा पाराशर जी, हीराराम जी मेघवाल, सईद अंसारी जी, श्रीमती मनीषा पवार जी, सुश्री दिव्या मदरणा जी, श्रीमती मीना कंवर जी विधायक शेरगढ़, महेंद्र बिश्नोई जी विधायक लूणी, कृष्णाराम जी बिश्नोई विधायक लोहावट, जगदीश जांगीर जी विधायक सादुल सर, रविन खान साहब विधायक जयपुर, रूपाराम जी धनदेव विधायक जैसलमेर, स्वयं लोड़ा साहब विधायक सिरोही, राजेंद्र पारीख जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान जी, पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह जी, अस्कली टाक साहब, आदरणीय श्रीमती चंदेश कुमारी जी, रणदीप धनकर जी, धर्मेंद्र राठौर जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियार जी, हमारे महापौर दामेश्वर दादी जी, ओम जोशी जी, ऋषपाल मिर्जा जी, और कांग्रेस के हमारे पाली के प्रत्याशी मदीराम जाखड़ साहब, प्रोफेसर अयूब खान साहब, महेश व्यास जी, जेपू खान जी, सुभाष भंडारी जी, बहन संगीता बैनीवाल, हरिंदर सिंह राठौड़, हरीश जोशी, विक्रम सिंह इंदा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश परियार जी, अध्यक्ष NHUI, सुनील चौधरी जी, छात्र संघ के अध्यक्ष अजय त्रिवेदी जी, सलावत खान साहब, विजय पूनिया जी, मूलचंद जी मीणा पूर्व मंत्री, उजला आंजना साहब, श्रीमती सुनीता गहलोत, उदय सिंह जी राठौड़, डॉक्टर देवासी जी, और भी कई साथी बैठे हुए हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो गई, पर मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे पूर्व डॉक्टरों ने बातें कही है, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में, हमारे राजस्थान भर के नेता भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, जोधपुर और तमाम जिलों से जो लोग आए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि जो आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह रघु गरुड़ के साथ रहा है, बना हुआ है, इस कारण से भी आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। और मुझे याद है कि वैभव गहलोत पिछले 15 साल से जहाँ जहाँ उनको बुलाया गया राजस्थान के किसी कोने में कैंपेन करने के लिए, तो वहाँ गए, और उसकी झलक आज आपको स्टेट में मिल भी रही है। कई लोग इसलिए भी आए हैं कि वो उनके कैंपेन में गए होंगे। तो मुझे खुशी है कि जो 40 साल पहले जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे आपने भरपूर प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, विश्वास व्यक्त किया, उसके कारण से एक लंबा सफर तय करते करते आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कि मैं ये कहने के लिए शांत शांत, अरे शांत शांत रहो, आज वैभव गहलोत को कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, आप सबकी भावनाओं को जान करके जिस प्रकार से गांव से, डाणी से, आम लोगों से जो भावना आ रही थी, उसका आंकलन हमारे विवेक बंसल साहब ने भी किया, पायलट साहब ने भी किया, पांडे साहब ने भी किया, उसके बाद में जिस रूप में फैसला हुआ, जिसका जिक्र अभी सचिन पायलट जी ने किया, आपको CEC की बैठक में जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में
वैभव गहलोत का नाम स्वीकार था। ये जो ए भाई बंद करो, इनको बंद करो, हल्ला नहीं करे। बंद कर, बंद कर दो। ये अति उत्साह है, अति उत्साह भी काम का नहीं होता है। तो वैभव गहलोत को आप जानते हैं, अभी वो लगातार आपके बीच में कैंपेन कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जानकारी मिल रही है। हमारे कार्यकर्ता जिस रूप में उनको ले जा रहे हैं गांवों के अंदर भी, क्षेत्र में, मोहल्लों के अंदर, और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे मेरे खुद के पुराने दिन याद आ गए। इसी जगह जहां बैठे हुए हैं, इसी जगह से शुरुआत की गई मेरी खुद की। आप में से कई लोग उस वक्त भी आए होंगे, और मुझे आपका आशीर्वाद मिला, मैं कामयाब हुआ। 38 साल तो मुझे हो गए एमपी बने हुए, और जिस प्रकार से लगातार आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास मेरे साथ कायम रहा, और वही कारण रहा है, हाई कमांड हमारा फैसला करती है कि जिस क्षेत्र का नुमाइंदा है, एमएलए है, एमपी है, वहां की जनता क्या चाहती है। मुझे खुशी है कि आज़ादी के बाद पहला एमपी मैं था जोधपुर से, जिसको मंत्री बनाया गया इंदिरा गांधी जी के साथ में। वो दिन आज दिन लगातार मैं जिस रूप में मुझे मंत्री बनने का अवसर मिला, इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी जी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में, जिस प्रकार से मुझे 3 बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला, 2 बार मेरा श्री का महामंत्री रहा, और 3री बार मैं राजस्थान का प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। जब अगर आप लोग जोधपुरवासी अगर मुझे कामयाब नहीं करते, बार बार 5 बार एमपी बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो मुझे इतने जगह काम करने का अवसर नहीं मिलते। इसलिए जहां कहीं मैं बात करता हूँ, जयपुर में हो, दिल्ली में हो, तो मैं हमेशा याद करता हूँ जोधपुरवासियों को, जोधपुर के मतदाताओं को, और वही मेरी बहुत बड़ी ताकत है जो आपने मुझे दे रखी है। और मैंने भी, आपको मालूम है कि चुनाव जीतते ही घंटाघर के मैदान में रात को 2 बजे परसा मदेना जी, खेती राठौड़ साहब, राम सिंह जी बिश्नोई, नरपत राम जी बरवड़, रंजीत सिंह जी, रामनारायण डूडी साहब, मान सिंह देवड़ा साहब, सबकी मौजूदगी में मैंने कहा था चुनाव जीतने के बाद में रात को, क्या आप निश्चिंत रहो, मैंने 3 वादे किए थे, आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा, और जोधपुर के विकास में कमी नहीं आने दूंगा। और मैंने भी कहा था अगर मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा पूरे देश के अंदर जिससे कि जोधपुर वासियों को नीचा देखना पड़े मेरी तरफ से, और मैंने भी कहा था अगर मैं ऐसा काम करूं तो मैं आपको अधिकार देता हूं आप मेरा कान पकड़ लेना। जब मैं 28 साल का था, 29 साल का था, जब पहली बार एमपी बना, तब मैंने 3 बातें घंटाघर के मैदान में कही थी, और उनको मैंने हमेशा हमारे अपने सामने रखा। मुझे एक नेता ने कहा दूसरे दिन दिल्ली जाते हुए रास्ते में, आपने कल क्या कह दिया, ऐसे भाषण दिए जाते हैं क्या, बिना पैसे के पॉलिटिक्स नहीं होती है। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली जाके हो सकता है मेरी नींद खराब हो जाए, तो कम से कम मैंने आम पब्लिक में कह दिया है कि अगर मैं कोई गलती कर बैठूं देश के अंदर, नाम नीचा आपका हो जाए, तो आप मेरा कान पकड़ लेना। अगर मैं गलती करने की मंशा मेरे दिल में पैदा हो,
तो मैं घंटा करके मेरे उस बात को रियाद करूं कि मैंने जनता का क्या वादा किया था, और उसी रुपए में उन बातों में बच जाऊं जो मैं गलत काम करने जा रहा हूं। और हमेशा मैंने चिंता रखी मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में, या मैं कोई पद पे रहा कि हर काम में वो करूं जिससे कि परिवार का, समाज का, जोधपुर के मतदाताओं का मान सम्मान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बढ़े, घटे नहीं। उस रूप में मैंने हर कलम चलाई मेरी, और मुझे खुशी है कि जोधपुर के अंदर में गांव-गांव में घूमता था, फलोदी हो, भाप हो, ओशिया हो, भोपालगढ़ हो, लूनी हो, शेरगढ़ उस वक्त में जोधपुर में आता नहीं था, तो मैं जहाँ गांव-गांव में अकाल में सूखे में घूमता रहता था। जोधपुर के अंदर भी शहर में जो क्षेत्र थे उसमें कोई कमी नहीं रखी, चाहे यूआईटी थी पहले, चाहे बाद में जेडीए बन गई, नगर निगम बन गई, सामुदायिक भवन हो या कोई विकास के काम हो। मैं समझता हूँ मानसिंह देवड़ा जी थे तब भी, राजेंद्र सोलंकी थे तब भी, रमेश दादी जी थे तब भी, कोशिश करी जो मांग मोहल्ले वाले कर रहे हैं, समाज वाले कर रहे हैं, उन मांगों को पूरा करें। और उसी रूप में मैंने हमेशा कलम चलाई राजस्थान के लिए। मुझे अनुभव काम आया अकाल सूखे का, जो गांव में घूमता था भयंकर काल पड़ते थे। अब तो सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नरेगा लेके आ गए, नरेगा नहीं था तब, जैसे ही मानसून धोखा देता चिंता की लकीरें आती थी सिर पे, काम कब खुलेंगे, काम मांगना पड़ता था, मजदूरी कम मिलती तो शिकायत होती थी, चारा कहाँ से आएगा गायों के लिए, पीने का पानी खुद के लिए भी और डांडों के लिए कहाँ से आएगा, ये चिंता सताती थी लोगों को। भला सोनिया गांधी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ना सिंधी का, जिन्होंने नरेगा 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे दी आपको कि 100 दिन काम मिलेगा, अकाल पड़ो या नहीं पड़ो। अब तो राहुल गांधी जी ने उनको 150 दिन का वादा कर दिया जनता से। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, गांव-गांव में जो समस्याएं थी आपकी, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, वो मैंने इतना अध्ययन किया 5 साल एमपी का, तब के दौर में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे अनुभव जोधपुर की जनता का सीखा हुआ काम आया कलम चलाने के लिए। और इसीलिए 4 अकाल पड़ गए, 4 अकाल पड़ गए। अरे भाई कौन बदतमीज आदमी है, ए क्या कि तुम कार्यकर्ता हो, 4 बार अकाल पड़ गए, 4 अकाल लगातार पड़ गए। आपको याद होगा वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर, मैंने किस प्रकार से गेहूं ले लेके आया बाहर से, घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, काम के बदले अनाज, घर में जगह नहीं थी लकड़ी रखने की, बोरे गेहूं की, तक गेहूं इकट्ठा हो गया कई जगह, तो खुद के निजी काम कर लो, निजी कुआं, निजी मकान, निजी कुंड कुछ बनाओ, मोहल्ले वाले आपस मजदूरी करे, एक दूसरे के सहयोग करे। वसुंधरा जी कहती थी उस वक्त में, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भीखे का कटोरा लेके घूम रहा दिल्ली की सड़कों पर गेहूं मांगता हूं। मैंने कहा वसुंधरा जी अगर मैं भूख मिटा सकूं जनता की तो मुझे घर होगा भीख मांगते हुए। उन्होंने कहा भूख से मरेंगे लोग, इतना भयंकर काल पड़ गया है। मैंने कहा ये ऐसा शब्द मत निकालो मुंह से, मेरे मुख्यमंत्री काल में मैंने गेहूं गांव गांव में रखवा दिए बोरिए, सरकारी कर्मचारियों को पाबंद कर दिया है कि कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे, गेहूं पहुंचा दो घर में। मैं एक आदमी को भूखा मरने के बाद छोड़ो, भूखा नहीं सोने दूंगा मैं राजस्थान के अंदर। ये स्थिति थी और करके दिखाया। आज भी पूरा देश उसके प्रबंधन को याद करता जो मेरा प्रबंधन था उस वक्त में। दूसरी बात सरकार बनी, पेंशन की योजना हो, 500 रुपए 750 रुपए दे दिए, अभी हमने बढ़ा दिए 500 750 1500 कर दिए। किसानों का अलग पेंशन स्वीकृत कर दिए, जो किसान है 11 लाख वो भी पेंशन के हकदार हो जाएगी। वो नया फैसला हमने भी किया नई सरकार बनने के बाद में, दवाइयां फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, डायलिसिस हो,
खून की जांचें हो, सोनोग्राफी हो, सब फ्री कर दिया। सीनियर लोगों के लिए जयपुर में एसएमएस में तो एमआरआई और सीटी स्कैन भी फ्री है, बीपीएल के लिए फ्री है। इस प्रकार से किया। इस पर सरकार बनी हमारी, 3 महीने पहले हमने कहा है 600 दवाएं पहले फ्री थी, अब क्योंकि किडनी की बीमारी में बहुत महंगी दवाएं होती है, हार्ट की बीमारी में बहुत महंगी होती है, कैंसर हो जाए तो बहुत महंगी दवाएं होती है, तीनों दवाएं मैंने फ्री करने की घोषणा कर दी है राजस्थान के अंदर। पानी के लिए कहा हमने, इस बार पानी का कलेक्शन में पैसा खर्च करते बिना मतलब का, पानी तो कम से कम जीवन की आवश्यकता है, तब हमने पानी के बिल हैं वो समाप्त कर दिए, कोई बिल नहीं आएगा गांव के अंदर तो नहीं आएगा, और शर्म आएगा तो बहुत मामूली आएगा, उसको भी हम देखेंगे चुनाव के बाद में परीक्षण करवाएंगे। 30% बिल आएगा, पहले 100 रुपये आता था, अब 30 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमने बड़े फैसले किए। अभी हमने कहा नौजवानों के लिए कोई अपनी उद्योग लगाएगा छोटा मोटा, 3 साल तक सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम अपना भी करे वो, जिससे कि रोजगार बढ़ सके। 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ गरीबों को मिलेगा, 1,60,00,000 लोगों को, वो शुरू कर दिया। बेरोजगारी भत्ता अलग हमने दिया है, तो कई 25 फैसले मैंने किए हैं। 5 साल तक घरें नहीं बनेगी बिजली की, 1,00,000 कनेक्शन कृषि के काम चालू कर दिया है, आधे कनेक्शन हो चुके हैं। इस प्रकार से कर्जा माफ किया, सिसी बैंकों का, भूमि विकास बैंकों का, जमीनें रहन रखी हुई है तो छूट जाएगी, छूट गई होगी, एक से बढ़कर एक फैसले हमने लगातार किए जा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपको, कोई योजना वसुंधरा राजे की चल रही होगी तो बंद नहीं करेंगे योजनाओं, ये हमारी फितरत में नहीं, सोच में नहीं है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, शेखावत साहब चुनाव हार गए थे, उनके वक्त भी कोई योजना मैंने बंद नहीं करी, फिर वसुंधरा जी चुनाव हार गई, हमने योजना बंद नहीं करी, और वसुंधरा जी ने चुन चुन करके बदला लिया, हमेशा पहले भी लिया अब भी लिया। सरकार बदलते ही हमारी योजनाओं को बंद कर देती है, उपेक्षा करती है इलाकों की। पूछो उनको स्मार्ट सिटी क्या होती है, 200 स्मार्ट सिटी के संरक्षण हुआ, राजस्थान के सब बड़े शहर संरक्षण हो गए, दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर, अभी पेपर में कह रहे थे आपको, क्या उसमें भेदभाव? स्मार्ट सिटी जोधपुर को चयन करने में तकलीफ क्यों आई राजस्थान सरकार को, मैं पूछना चाहता हूँ इस मंच से वसुंधरा जी को, कोई कारण नहीं? हमारे ब्रिज बन रहे थे उनको रोक दिया, ये तो बना इंजीनियर का, ये लगते भाई जी का जो आपका ब्रिज बना शानदार, उसको रोक रहे थे, तो जाके इंजीनियर ने जाके फोटो दिखाई कि साहब पीले खड़े हो गए हैं, अब इसको रोकेंगे जैसे हम लोग, तब जाके ये पुल पूरा हो, वरना वो पूरा नहीं होता। आप सोच सकते हो क्या सोचती हूँ। इस प्रकार की सोच के साथ में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने शासन किया, बदले की भावना से। राजेंद्र सोनी को जेल भिजवा दिया, जुगल काबरा को जेल भिजवा दिया, जयपुर में अजय चोपड़ा है, एक चंदू साहब थे हमारे सेक्रेटरी यूडीएस के, धारीवाल साहब मालूम है, धारीवाल साहब ने खुद पे मुकदमा दायर कर दिया। अब आप बताओ, बड़े शर्म की बात है, आप इस प्रकार सरकारें बदलती है, हुक्म हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता है, ये पुरानी कहावत है, आप सरकार बदलते आप बदला ले रही हो। एक मंत्री के खिलाफ में आपने केस दर्ज करवा दिया, ये तो कांग्रेस जनों की यही जुड़ता थी राजस्थान के अंदर, उसके भय के कारण से वो कुछ कर नहीं पाए, आप समझ सकते हो। आज मोदी जी दिल्ली में ही कर रहे हैं, इनकम टैक्स छापे पड़ रहे हैं, पूरे कांग्रेस के नेता जो देश भर में हैं उनके छापे पड़ रहे हैं खाली, बीजेपी के नेता तो दूध के धुले हुए हैं, बड़े बड़े कड़ाव लगाए होंगे अमित शाह जी ने, दूध के भर भर के कड़ाव लगाए होंगे, उसमें डुबाया होगा बीजेपी के नेताओं को, नलाया होगा, फिर बाहर निकला होगा ये दूध के धुले हुए लोग हैं। बताइए आप, कानून का क्यों आप ध्वजा उड़ा रहे हो? कानून का राज रहने दो मोदी जी। अब बताइए ये नौबत क्यों आई?
अब आप बताओ एक प्रधानमंत्री के बारे में ये नारा लगे, ये नारे लगने की नौबत क्यों आई? राहुल गांधी पूछते रफाल का 526 करोड़ का लड़ाकू विमान, सरकार बदलते ही 1660 करोड़ का हो गया। 526 करोड़ का विमान जो ठेका टेंडर करके रेट तय हुई, दो कंपनी आई, रफेल अच्छा विमान है, तय किया इसको लेना है, 526 करोड़ इसकी कीमत थी। क्या कारण है? सरकार बदल गई, वो ठेका कैंसिल भी नहीं होगा, नया ठेका भी नहीं होगा, और कीमत बदल गई। मोदी जी खुद गए फ्रांस में राष्ट्रपति से मिले और 126 प्लेन खरीदे थे, 126 लड़ाकू विमानों की जरूरत थी देश को, उसी बजाय सिर्फ 36 विमानों का सौदा किया, 526 करोड़ का प्लेन 1660 करोड़ में कर दिया। आप बताइए क्या ये विपक्ष को पूछने का हक नहीं मोदी जी को, ये क्यों किया आपने? आज तो जवाब नहीं दे रहे हैं वो लोग, आज जो आप कह रहे हो चौकीदार चोर है, ये कह रहे नौबत क्यों आई है, क्यों नौबत आई है? इसलिए देश बहुत खतरे में है, शांत शांत। अरे भाई शांत, आप बताइए प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार लटके झटके करते हैं वो बोलते हुए? अरे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, इतना उनको बहुमत मिला पिछले चुनाव के अंदर, हालांकि आपको याद होगा वोट खाली उनको 100 में से 31 मिले हैं, खाली उनको 100 में से 31 वोट मिले हैं मोदी जी को पिछले चुनाव में, जब सरकार उनकी बनी 69 वोट उनके खिलाफ पड़े हैं, तब भी वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको अहम घमंड किस बात का है? अगर 100 में से 31 वोट पे वो प्रधानमंत्री बने हैं, 69 वोट खिलाफ पड़े हैं, तो आपको विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए था आपको, आपने उनकी परवाह नहीं करी। आप असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? प्रधानमंत्री कभी झूठ बोल नहीं सकता, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी बात लाखों करोड़ लोगों को दिल को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ प्रधानमंत्री अच्छी बात बोले हैं, चाहे वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी का व्यवहार जो है वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में है देश के अंदर, क्या अच्छी परंपरा है? प्रधानमंत्री के मुझे कभी निकला कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 1 करोड़ शरणार्थी आए हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, पूरी पाकिस्तान थे उस वक्त में, जो पूरी पाकिस्तान था अब तो बन गया बांग्लादेश बन गया, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे। मैं भी गया था 15 दिन वहाँ बॉर्डर पर बंगाल के अंदर सेवा करने के लिए, गांधी पीस फाउंडेशन हमारे भाऊ साहब थे नवीचंद जैन, गांधी पीस फाउंडेशन के मुझे भेजा वहाँ पर, 15 दिन तक मैंने भी सेवा करी शरणार्थियों की वहाँ उन कैंपों में रह करके। मुझे याद है युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए हम लोग, 90,000 उनके कर्नल जनरल मेजर सैनिक सबकी हत्याओं के साथ में सरेंडर करवा दिया, हमारी आर्मी ने करवा दिया। दुनिया में इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ? खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, अपनी जान दे दी, पाकिस्तान या अन्य मुल्कों के सहयोग से जो पंजाब आतंकवाद फैला था उससे पंजाब अलग करने के लिए कोशिश हो रही थी खालिस्तान के नाम से, इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया, उनका वो शहीद हो गई, उनका सीना छलनी कर दिया गया, आप कल्पना कर सकते हो। इस प्रकार से जान दे दी इंदिरा गांधी, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से 5 सालों का भी निकला कि भाई हमारे देश में इंदिरा गांधी जैसी नेता भी हुई है जो जिसने अपनी जान की परवाह नहीं करी और मुल्क को एक रखा, अखंड रखा, कभी मुंह से निकला उनके? सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमें गर्व है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, जान भले में रख करके सीमाओं की रक्षा करते हैं, उपयोग राजनीति करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जीतना चाहते हैं वो चुनाव,
उनको पूरे देशभक्ति की बात करते हैं, जैसे हम लोग तो देशभक्त है ही नहीं, तो ये कहां की राजनीति है? ये राजनीति कहां की है? ये जो स्थिति है इसको आपको हमको समझना पड़ेगा, किस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, खतरनाक राजनीति चल रही है। कोई आलोचना सरकार की तो वो देश द्रोही हो जाता है, देश के अंदर निर्दोष लोग मारे गए लिचिंग के नाम पे, गाय के नाम पर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोग समझ नहीं पा रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों को भड़काया जा रहा है, उनको इतिहास के बारे में भ्रमित किया जा रहा है। मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ये राजीव गांधी का दिया हुआ है, मोबाइल फोन कंप्यूटर, क्रांति हो गई आज। रेलवे टिकट कंप्यूटर से, पहले क्या हालात थे, मोबाइल फोन में दुनिया मुट्ठी में है। ये मीटिंग हो रही है, दुनिया देख सकती है, अमेरिका इंग्लैंड वाले की पार्टनर चरण में मीटिंग हो रही है, कौन कहां बैठा हुआ है। ये क्रांति है मोबाइल फोन की, ये कैसे हो गई? मोदी जी ने कहा, ये राहुल गांधी ने 21st सेंचुरी बात की थी जाने की, देश को ले जाने की, उस कारण से आज विज्ञान तकनीकी सब कुछ आना संभव हुआ। कहा उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला किसी के बारे में। सित्तर साल में क्या किया कांग्रेस ने, ये जुमला बोलते हैं। अरे 70 साल पहले तो सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, बिजली क्या होती है लोगों को नहीं मालूम था। जहाँ बैठे हुए हैं ये जंगल की तरह था, मैं रहता था महामंदिर, मेरी माँ मुझे लेके आती थी यहाँ, पाउडर अस्पताल था, ये आंखों में आई ड्रॉप डलवाने के लिए जाती थी, आंखें आ जाती थी जमाने के अंदर, माँ लेके आती, दो बार हम लोग विश्राम करते रास्ते के अंदर, दो भाई, तब जाके आप पहुंचते थे इस पाउडर हॉस्पिटल में, ही पाउडर हॉस्पिटल जिसको मैंने अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, पहले छोटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी थी, ये डिस्पेंसरी थी पहले 50-60 साल पहले। आप कल्पना करो, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, अरे ये जो सेल्फी ले रहा मोदी जी, ये भी कांग्रेस ने आपको सिखाया, सेल्फी लेना सिखाया। राजीव गांधी ने तो 18 साल के नौजवान को वोट का अधिकार दिया, पहले 21 साल का वोट का अधिकार था। राजीव गांधी का मुझे यकीन है कि 18 साल का नौजवान भी देश की तकदीर का फैसला करे। ये आपको वोटों का अधिकार किसने दिया है? ये मीटिंग क्यों हो रही है? हाथ क्यों जोड़ते नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, MLA, MP, सरपंच, हाथ पैरों पर लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। यही तो लोकतंत्र की खासियत है, जिसमें आप आशीर्वाद मांगते हो तो मान सम्मान बढ़ता गरीब के गरीब आदमी का। ये कायम रखा कांग्रेस ने, देश को एक अखंड रखा है। किसने रखा है? कांग्रेस ने रखा है। 70 साल में क्या किया? ऐसे लोग आगे सत्ता में बैठ गए जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र में यकीन उनका नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुझे आपने जो चांस दिया बनाया, मैंने एक एक पल गुजारे हैं जोधपुर के विकास के लिए, एक पल गुजारे हैं मैंने। क्या था यहाँ पर? एक आगरा फोर्ट गाड़ी थी, एक दिल्ली मेल थी, दो गाड़ी थी मीटर गेज की। ब्रॉडगेज लेके आए, मंडोर एक्सप्रेस आई, मर्जर आई, सूर्य नगरी एक्सप्रेस आई, अब तो 30-40 गाड़ी चलती होगी, मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ चलती, पूरे हिंदुस्तान में हम जुड़ गए हैं। पहले जुड़े हुए थे क्या? अहमदाबाद जाओ गाड़ी भर लो, दिल्ली जाओ गाड़ी भर लो, ये स्थिति थी हमारी। जो कुछ खाली करने की नौबत आ गई थी, राजीव गांधी आए, अनाउंसमेंट किया स्टेडियम में, शिवजी माता जी मुख्यमंत्री थे, मदन साहब थे PhD मंत्री, आज इंदिरा गांधी गंगा का पानी जोधपुर तक पहुंच गया, गाँव तक पहुंच रहा है, किसी कल्पना की थी? पहले रेलगाड़ी से पानी आता था यहाँ पे, रेलगाड़ी से पानी आता था, मनाई भी और तिवरी भी, बालरवा भी, मचानिया से एमरजेंसी योजना बनी, रंजी गांव से एमरजेंसी पानी लेके आए हम लोग। आज लबालो भरोसा का है ना, सूरसागर का और बन गया, बांध पूरा बन गया, टैंक बन गया पानी के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है क्योंकि पिछली सरकार ने लापरवाही करी। तीसरा फेज चालू होने वाला था इंदिरा गांधी कैनाल का, दूसरा फेज सबने पूरा कर दिया, परवाही नहीं करी। अब जाके मैंने कहा तीसरा फेज बना के रहेंगे, जोधपुर शहर में कोई तकलीफ नहीं आई पाने की, ना गाँव में ना शहरों के अंदर। एम्स आ गए यहाँ पर, IIT किसे कहते हैं, आजादी के वक्त 6 खुली थी, IIT आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर, जामनगर में अंग्रेजों का वक्त का था, उसके बाद पहला विश्वविद्यालय मैंने खोला
आयुर्वेद विश्वविद्यालय मंडोर के आगे, एफडीडी आ गया, निफ्ट आ गई, क्या नहीं हो, कृषि विश्वविद्यालय आ गया, पुलिस यूनिवर्सिटी कहीं खुली नहीं है गुजरात के अलावा, हमने यहाँ पुलिस यूनिवर्सिटी खोली है। जिस प्रकार से ब्रिज बने, ओवरब्रिज बने, अंडरब्रिज बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, जोधपुर का विकास हुआ है, रिंग रोड बन रही है, ऐसी बन गई है, कोई कसर छोड़ी नहीं हमने। जहां हमारा कलम चली या जहां हमारी बात का वजन था, हमने वो काम करवाया। जोधपुर को सी श्रेणी में था, बी श्रेणी का दर्जा ही मैंने एमपी बने दिलाया था, मुझे याद हो सकता है, सरकारी कर्मचारी को मांगे थी। बातें तो भले करो थी कम है, क्योंकि 40 साल का अर्थ में 40 घंटे लगेंगे मुझे बोलते हुए। 40 साल आपने मुझे दिए हैं, 40 घंटे बोलूं मैं तो एक कम बढ़ेगा कोई मतलब नहीं। आप सब जानते हो, कृपा करके इस चुनाव में हमें एक एक वोट की जरूरत है। और ये मीडिया वाले हमारे साथ ही खड़े हैं, बहुत दबाव में ये लोग भी हैं, पूरा जो है इनके मालिक, इनके मालिक, इनके संपादक, इनके एंकर मोदी जी का डर सता रहा है, इसलिए चाहते हो भी सच नहीं बता पा रहे हैं। सीबीआई के छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, तो ये सही नहीं बता पा रहे हैं। एक तरफ मोदी 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 बता रहे हैं, आपको बच के चलना पड़ेगा इनसे। एक रवीश कुमार है एनडीटीवी वाला, देखा आपने किसी ने, बताइए हाथ खड़े करो कौन देखता है एनडीटीवी, कमाल है। तो जोधपुर में सब देखता हूँ, तो 500-700 हाथ खड़े हो गए। रवीश कुमार ने क्या कहा कि मैं भी एंकर हूँ, आज जिस प्रकार की जलालत हो रही है देश के अंदर, जिस प्रकार के हालात बन गए हैं, एंकर अपनी बात नहीं कह पा रहा, वो दबाव के अंदर है, सच्चाई से हम कोसों दूर है। वो कह रहा देशवासियों 2 महीने तक आप टीवी देखना बंद कर दो, वरना भ्रमित हो गए, वोट नहीं दे दो मोदी को, ये स्थिति है। आप सोच सकते हो देश कहाँ जा रहा है। अरे लोकतंत्र में खुली हवा में साथ लेता आदमी, आलोचना कर सकता, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, एमएलए की, एमपी की, कोई रोक नहीं सकता उसको, ये लोकतंत्र है। और मीडिया वाले कुछ प्रचार तो शौक से कर देते हैं, सचिन पायलट के अशोक गहलोत के झगड़े चलते रहते हैं। अब बताओ आप झगड़ा देखा आपने, अभी हम गाड़ी वो चला रहे थे, मैं बैठा हुआ साथ में आया उनके यहाँ पर, एक बार मतलब फंस गए वहाँ करौली में, वहाँ पे मोटरसाइकिल इन्होंने चलाई, पीछे मैं बैठा हुआ था, हम देखा होगा फोटो, देखा नहीं देखा आपने, देखा। अभी ऐसे में चुनाव हुए तो मैंने अविनाश पांडे जी की मौजूदगी में घोषणा करी हुई, सचिन पायलट जी भी चुनाव लड़ेंगे असेंबली का, ठीक नहीं की मैंने घोषणा। और अभी इन्होंने बैबो गहलो के लिए इन्होंने बात करी, पैरवी करी, तो आप बताओ कि झगड़ा किस बात का है। पर ऐसा माहौल बनाते हैं मीडिया वाले भी और कुछ हमारे मित्र लोग भी कि दोनों में झगड़े चलते रहते हैं। ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले चाल है, जानबूझ के गुमराह करो, कांग्रेस के लोगों को रास्ता भटकाओ। आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलके एकजुट हैं। पिछले 20 दिनों से हमारे दौरे चल रहे हैं, जो आप यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा रेस्पॉन्स सब जगह मिल रहा है। 25 मिशन लेके हम चल रहे हैं, देश को जरूरत है कांग्रेस की, दिमाग में रखो, देश को जरूरत कांग्रेस की है। इंटेलेक्चुअल लोग कहने लगे पहले ही कि कांग्रेस कमजोर नहीं होनी चाहिए, जब वो 44 में तब भी कहा था। इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं कहता हूँ आपको, मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक कल आया था संपादक, वो मैं 3-4 मिनट पढ़ के सुनाऊंगा, उससे मालूम पड़ेगा आपको ये किस इस तरह के लोग हैं, सोशल मीडिया में करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं। नोटबंदी के बाद में इतना पैसा इकट्ठा हो गया इनका, पूरे हिंदुस्तान में अपना ऑफिशियल बना रहे हैं लोग, अरबों रुपए खर्च करके चुनाव में पैसा बहाते पानी की तरह, कोई सोच नहीं सकता इनका। और कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पे छापे पड़वा रहे हैं, ये आप बता दीजिए क्या स्थिति है। घनश्याम तिवारी ने कहा था, जो एमरजेंसी जेल में गया 50 साल आरएसएस के अंदर, अभी उसे ज्वाइन की है कांग्रेस राहुल गांधी जी की मौजूदगी में, 50 साल तक जो आरएसएस में रहा हो बचपन से ही, क्या बीती होगी उसके ऊपर कांग्रेस ज्वाइन करते हुए, आप सोच सकते हो। वो क्या इमरजेंसी नहीं गया, बीता समय आ गया देश के अंदर, अमित शाह लूट रहा है वसुंधरा के साथ मिलकर के राजस्थान की संपत्तियों को, बता दीजिए आप।
ये स्थिति आज देश में बन चुकी है। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि कदर छोड़ना मत। वैभव गहलोत आपका अपना है, किसी का वो बेटा होगा, किसी का पोता होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भाई होगा। मैं कई बार कहता हूं कि मुझे पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी हो गई है। अब मैं कहीं शादी में जाता हूं तो दूल्हे का बाप कहता है आप मेरी शादी में भी आए थे साहब। अरे तब मालूम पड़ा कि मेरी दूल्हे के बाप की शादी में भी आए। वो कह रहा है आप मेरी शादी में आए थे, तब मालूम पड़ रहा है यार उम्र हुई दिखती है अपने भी कोई, पता नहीं पड़ रहा अभी तो। इसलिए अब जो है एक मौका पार्टी ने दिया है वैभव गहलोत को, जो यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में कांग्रेस में लगातार वो काम कर रहा है और उसका नाम सवाई माधोपुर में चला। पहले मैंने उस पर रोक दिया इसको, फिर इसको यूथ कांग्रेस का यह अध्यक्ष बनने के लिए कैंपेन करना चाहता था, मैंने रोका इसको। मैं मुख्यमंत्री हूँ, तुम अध्यक्ष बन भी जाओगे लोग कहेंगे मुख्यमंत्री का बेटा इसलिए बन गया। चंद्रमानिया बैठे हुए हैं, इन्होंने नाम प्रमोट किया महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए, मैंने रोका। मुकुलवासी से बात करी, मुख्यमंत्री बेटा महामंत्री बन जाएगा भाई, मुख्यमंत्री बना दिया। पिछली बार जब मैं चुनाव हार गया तो मैंने जाके दिल्ली में कह दिया अब भली टिकट मिलता है मुझे ऐतराज नहीं है, चाहे जालौर से चाहे सवाई माधोपुर से। कुछ कन्फ्यूजन हो गया, पायलट साहब उस अध्यक्ष थे और वो उस वक्त में टिकट नहीं मिल पाया। मैं खुद अपराध बोध से ग्रसित था कि ये क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं खुद राजनीति कार्यकर्ता हूँ, काम कर रहा हूँ, अगर वहाँ की जनता या कार्यकर्ता मुझे याद करते हैं, मुझे कहते हैं, तो मेरे फादर अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो रोकने वाले कौन होते हैं। तो मैंने पिछली बार 5 साल पहले मुझे ऐतराज नहीं होगा ये मैंने कहा था। इस बार 3-4 जगह नाम आ रहे थे, सबकी राय बनी कि नहीं जोधपुर से ही ठीक रहेगा राजनीतिक दृष्टि से, और जोधपुर के आप लोगों की जो इच्छा थी, जो नाम अपना चलाया आपने, हमने नहीं चलाया नाम, अपना नाम चला इस रूप में चला गांव गांव में। तमाम आपके जीते हुए प्रतिनिधि आए, हारे हुए प्रतिनिधि आए, बाकी लोग आए, जो मिलने आया सबने कहा था नहीं आप जोधपुर से दो टिकट इनको दिलाओ टिकट इनको। वो कहानी आपने सुन ली कि दिल्ली में जब फैसले होते हैं तो फैसले में चाहे विवेक बंसल हो, चाहे वो सचिन पायलट जी हो, पांडे जी हो, इन्होंने अपनी बात रखी, पायलट जी ने अपनी बात कही और टिकट मंजूर हो गया। मंजूर हो गया, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप जो वैभव गहलोत ने आपको वादे किए, आपसे मुझे उम्मीद है कि वो वादे किए हैं, जो बातें मैं इतनी बोली है आपके सामने, मेरी खुद ही हिस्ट्री बताई है, वैभव गहलोत ने सुन रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ उससे भी वो तमाम जो मेरी भावनाएं राजनीति करने की सेवा भाव के आधार पर, सेवा ही अपना धर्म है, छत्ती जी को हम की सेवा करो, गरीब की सेवा करो, विकास की बात करो, उसमें पूरी राजनीति हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ वो नौजवान भी उसी रूप में काम करेगा आपका आशीर्वाद के साथ में। मैं एक आपको 2 पेज छोड़ के सुनाता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस बड़ा मानव अखबार है, उसके क्रिस्टोफे जफर लोड कोई लेखक है, उनके टारगेटिंग फैक्ट लिखा हुआ। लेखक का कहना है कि जो भारतवर्ष सत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी एवं अनेक सत्य के पुजारी जन्मे, उसी भारतवर्ष में आज असत्य और झूठ चारों ओर फैल गया है और बहुत सामान्य से लगता है, झूठ भी सामान्य लगता है। पिछले सप्ताह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में, पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जब सबसे ज्यादा झूठी खबरें प्रकाशित होती है, अखबार वाला खुद लिख रहा है। इन झूठी खबरों को रोकने की जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है, किंतु भारत का सत्तारूढ़ दल खुद ही जाने अनजाने में इसमें योगदान देता है। हाल ही में सत्तारूढ़ दल ने दावा किया था कि मसूद अजहर को यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को सुपर्द किया था, जबकि वास्तविक में ये कार्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। इसी प्रकार
स्वतंत्र दल ने प्रचार किया कि 1965 में पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया था उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, जबकि वास्तव में उस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में अरुण जेटली ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर नेहरू ने राजनीति में वंशवाद की स्थापना की थी। इसके विपरीत नेहरू ने अपने निधन से पहले स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस यह तय करेगी उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उनके बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया था। लेखक का कहना है केवल इतिहास की अज्ञानता के कारण ही गलत सूचनाएं नहीं दी जा रही है। लेखक कह रहा है कि खाली कोई अज्ञानता नहीं है कि केवल इतिहास की अज्ञानता के कारण ही गलत सूचना नहीं जा रही है, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए गलत सूचनाएं परोसी जा रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको सुनाऊं। इतना ही नहीं, विरोधियों को बदनाम करने के लिए फोटोशॉप से फर्जी तस्वीरें बनाई जा रही है। हाल ही में श्री अशोक गहलोत को पाकिस्तान में झंडा लहराते हुए तस्वीर में दिखाया गया था। आप सोच सकते हो क्या यार कहा जा रहा मुल्क। इसी प्रकार राजीव गांधी और श्री राहुल गांधी को 1988 में काबुल में खान अब्दुल गफार खान के फ्यूनरल में दाह संस्कार में दिखाते हुए दावा किया गया था कि दोनों मुस्लिम तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी को दफन कर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को हिंदुओं को खाते हुए दिखाने की तस्वीरें भी फोटोशॉप से तैयार की जा रही जारी की गई है। ऐसे प्रयासों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2018 में अनेकों बार इंटरनेट को बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है देश में जहां इंटरनेट को सबसे ज्यादा बार बंद करना पड़ा है। राजस्थान में सत्य को दबाने के लिए या तो आंकड़ों में छेड़छाड़ की जाती है या फिर उन्हें छिपा लिया जाता है। बेरोजगारी की भयावह स्थिति को छिपाने के लिए NSSO ये भारत सरकार की संस्था है कि रिपोर्ट जारी नहीं की गई। ये बहुत बड़ा इश्यू देश में बना हुआ है। विकास दर को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए इसके तय करने की पद्धति को ही बदल दिया गया है ताकि यूपीए की तुलना में वर्तमान सरकार के दौरान विकास दर ज्यादा दिख सके। वर्ष 2015 में ही मोदी सरकार ने भारतीय पुलिस में मुसलमानों की संख्या नहीं बताने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वर्ष 2014 के बाद से राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जेल में बंद लोगों की जाति और धर्म के आंकड़े नहीं बता पा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े जारी नहीं करने के कारण स्वतंत्र सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों का आधार बनाकर सच्चाई सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो स्थिति बताई गई है आप कल्पना कर सकते हो। दो बातें और लिखी है या 5 वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान ये लाइन हमेशा बोला करते थे, देश जानना चाहता है, मोदी जी बोलते थे उस वक्त में। आज 5 वर्षों के बाद ऐसा लगता है देश यदि जानना भी चाहता है उसे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोकतांत्रिक संस्था है जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है उसके पास आंकड़े नहीं है। रोचक बात यह है कि संसद की एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास सूचनाएं नहीं है। उम्मीद की जाती है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन अभिव्यक्ति की आजादी मिल पाएगी। लेख के अंत में कहा गया है कि वास्तविक और सच्ची सूचनाओं के अभाव में चुनाव प्रचार के दौरान सही डिबेट नहीं हो पा रही है। ऐसी डिबेट होना संभव ही नहीं है क्योंकि गलत सूचनाओं और तथ्यों के माहौल में ऐसी डिबेट नहीं हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हो हम इस देश को किस दिशा में लेना चाहते हैं। इसलिए हमारे सब साथियों ने भी कहा, आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने, पांडे जी ने, पायलट साहब ने, कि देश की तकदीर का फैसला होने जा रहा है। 25 की 25 सीटें हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। अधिकांश सीटें जीते अगली बार मोदी सरकार का जो राज है वो बदले, लोग खुली हवा में सांस ले, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, संविधान बच सके, देश बच सके इन लोगों के हाथों से। ये अपील करता हूँ मैं आपको, आह्वान करूंगा कि कृपा करके जाने के बाद मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ, कभी कभी मैं आता हूँ जोधपुर में, आप लोगों से मिलता हूँ, मिलूंगा के क्षेत्र में जाऊंगा। पर पूरा चुनाव आपने संभाला, मेरा भी संभाला था। इसी जगह मैंने कहा था आपको, लास्ट में 2 दिन में आया था, पूरा काम आपने किया था, मुझे भारी बहुमत से आपने कामयाब किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि
मेरा खुद गाना नहीं होगा, पर आप सब लोग मिलकर के वैभव गहलोत को आशीर्वाद दें, उसको कामयाब करें। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।